एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सस्टेनेबल नहीं है, आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। फिर 2007 के बाद उस दिशा में कोई कदम नहीं लिया। अब मैंने दोबारा से पूरे स्टेट्स को स्टडी किया है, यूटीज को स्टडी किया है, उसमें क्या लूप होल है जिनको हम अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली कई स्टेट्स ने रिजर्वेशन कर दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली वो किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर, तो उसको देखते हुए दोबारा से होम मिनिस्टर साहब को हमने लिखा है, मैं खुद मिलूंगा भी इस बार, वो व्यस्त थे कहीं, फिर मिलूंगा, कि बेसिक मिनिमम रिजर्वेशन जो है वो जो हमारे जॉब्स हैं यहाँ वो अंडमान निकोबार के लिए, खास तौर से ग्रुप सी और ग्रुप डी। लेकिन आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि वो 422 वैकेंसीज को हम छोड़ दें, कई लोगों ने मेरे से कहा, तो छोड़ देंगे, 5 साल पड़ी रहेंगी, फिर सब ओवर एज हो जाएंगे, फिर वो कहेंगे सर हमारा एज रिलैक्सेशन के लिए। और आप बताइए, वो 422 टीचर्स की जगह पढ़ाएगा कौन? मेरे को बताइए कौन पढ़ाएगा? दूसरा, लोग कहते हैं सर हमारा CTET नहीं हुआ है, कैसे? एक CTET इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर, उसका मेन फोकस और मेन एम ही है कि जो टीचर है उसको क्वालिफाई करना, एक स्टैंडर्ड का बनना पड़ेगा तब पढ़ाएंगे, क्योंकि टीचर जो पढ़ाएगा वही बच्चा सर सीखेगा। अब वो कहते हैं साहब हमसे CTET नहीं हुआ, लेकिन जून के अंदर हो रहा है, तो आप जून तक रोक दीजिए, मतलब रोक देते हैं, लेकिन ये इतने सारे ओवर एज हो जाएंगे, फिर तू उनका धरना करा देना, तो बात तो एक ही होगी। तो देखिए ऐसा है, ये प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए मैं आपको, और मैंने खुद एजुकेशन वालों को बुला के ये नहीं कहा है कि मेरे को बताओ कितने आए हैं, क्योंकि फिर वो प्रोसेस गलत होता है, इस प्रोसेस की मर्यादा को रखना पड़ेगा। देयर इज अ सिलेक्शन सिस्टम, यहाँ पर तो एक रिवाज बना हुआ है कि जो प्रोसेस सिलेक्शन सिस्टम का होगा, थोड़े दिन बाद कंप्लेंट के बाद उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अभी एग्रीकल्चर में हो गया, अभी कहीं हो गया, मैंने इसके अंदर बोल दिया, मैंने कहा भाई आप इंटरव्यू का सिस्टम खत्म करो, जरा मार्क्स ऑफ क्वालिफिकेशन, जरा मार्क्स ऑफ CTET, जहाँ नहीं है वो दूसरे बढ़ा दीजिए, उसमें दे दीजिए, फेयर सिस्टम है।